हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी रोयनेट का CSP चलाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आप अगर निकासी करते हैं तो पहले आपको जो है फिंगर के द्वारा वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अगर अब आप जो है 2024 में निकासी करते हैं तो जिसके नाम से CSP है उसको बार बार जो है अपना थंब दे के जो है या फिंगर दे के उसको वेरिफिकेशन करना होगा, तभी जाकर आप दोबारा निकासी कर सकते हैं। आप जितनी बार निकासी करेंगे आपको पहले जो अपना फिंगर देके वेरिफिकेशन करना होगा, तभी जाके आप निकासी कर सकते हैं। उसको किस प्रकार से करेंगे आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में हमारे चैनल पर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। अगर आपको CSP चाहिए रोयनेट का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करके CSP ले सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें रोयनेट का CSP पोर्टल जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप यहाँ पे मेन सर्विस में आ जाएंगे। मेन सर्विस में निकासी करते वक्त आप यहाँ AEPS से जो है निकासी करते हैं, तो हमें सिंपल सा जो है यहाँ AEPS ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक AEPS दिया गया, ICICI AEPS दिया गया है, NSDL AEPS दिया गया है, उसके बाद आधार पर न्यू दिया गया है, उसके बाद यस बैंक आधार पर दिया गया है। तो NSDL में जो है अभी लागू नहीं हुआ है, इसमें अभी अब जो है लागू होने वाला है, लेकिन यस बैंक में जो है लागू हो गया। इसमें जो आपको NSDL में फर्स्ट अगर सुबह में आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट बार आपको जो है इसमें फिंगर लगेगा, उसके बाद अभी नहीं लगता, इसमें भी नियम लागू होने वाला है। उसके बाद ICICI में जो है आप जितने बार जो है आप निकासी करेंगे इसमें आपको बार बार फिंगर देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वो भी जिसके नाम से CSP है उसी के द्वारा होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। सबसे फर्स्ट बार आप ओपन कीजिएगा तो इसमें भी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जब यहाँ देख सकते हैं आपका जो डिवाइस है मार्को मंत्रा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है अपना फिंगरप्रिंट को जो है सेंसर पर रख के जो है वेरिफिकेशन कर लेंगे। सबमिट जैसे ही कीजिएगा आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल बताएगा। उसके बाद जो है आप जो कस्टमर का आप विड्रॉल करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देता है कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट का। उसके बाद जो है कैश विड्रॉल करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर या कस्टमर का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उस कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद जो है उसके बाद इंटर अमाउंट का ऑप्शन दिया गया है, आप इंटर अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। आप जितना कस्टमर निकालना चाहता है उस पर क्लिक कर देंगे या आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद जो है आपका मंत्रा जो है यहाँ डिवाइस सेलेक्ट किया हुआ है, अगर नया है तो वहाँ चेंज कर लेंगे आप, वहाँ पे ऑप्शन दिया गया वहाँ से चेंज कर लेंगे। आपके पास जो डिवाइस है उस पर जो है क्लिक करके जो हमें यहाँ फिंगर पे जो है टच द फिंगर सेंसर पे जो है आप अपना जो है जिसके नाम से CSP है उसको यहाँ पे जो है अपना फिंगर पहले देना पड़ेगा। फिंगर देने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुल बता दिया। इसके बाद फिर ऑप्शन दिया गया है टच द फिंगर सेंसर पे, यहाँ अब जो है दोबारा जो है कस्टमर का जो फर्स्ट बार अपना देना है जिसके नाम से CSP है, दोबारा बार में जो है कस्टमर का फिंगरप्रिंट देना है। प्लेस फिंगर ऑन स्कैनर पे डालेगा तभी जाके जो है कस्टमर का फिंगर आधार कार्ड से जो है मैच होगा, तभी जाके आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आपको जानकारी के लिए बनाए थे। अगर किसी प्रकार का आपको रोयनेट CSP में दिक्कत है तो मेरा और भी वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अगर आपको ID की ज़रूरत है तो हमें डिस्क्रिप्शन नंबर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करके ID ले सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।